लेज टाइम। राष्ट्र को क्या काटता है? पानी, भूख को रोटी, नफरत को प्यार। ये प्यार है। अच्छा, प्यार दिखा। उन्होंने नफरत पैदा की थी, हम प्यार बांट रहे हैं। ये सिंबल है प्यार का। हम नफरत करने वाले नहीं, प्यार करने वाले हैं। जो इस देश में पहले हुआ था 26 जनवरी के दिन, वो प्री प्लान था सब कुछ। जैसे ही बैरिकेडिंग तोड़ के हम अंदर जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। लाल किला रिंग रोड से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहली बात तो वहाँ से अंदर कैसे चले, दूसरी बात 24/7 लाल किले के अंदर सिक्योरिटी रहती है, अंदर कैसे घुस गए, तीसरी बात प्राचीर पे चढ़ के झंडा लगा दिया। पुलिस वाले ऐसे बैठ के देख रहे थे, कोई सम्मेलन में आए हैं, कोई गायक आया उसको देखने आए हैं, मजा लूटने आए हैं पुलिस वाले। ये सब कुछ प्री प्लान था। 30 लाख किसान आए थे दिल्ली के अंदर, क्यों 2000 ही क्यों गए वहाँ पे? और गए भी तो गिरफ्तार कर लो, क्या दिक्कत है? एक लाख का इनाम रख दिया। इस सरकार के पास इतनी मशीनरी है, इतना बड़ा देश है, एक आदमी को नहीं पकड़ सकते? अब हम पकड़ के देंगे इसी पास का इनाम है। हाँ, फिर इनाम क्या बोलता है कि पब्लिक बताएगी तब हम पकड़ेंगे। आप क्या, आपको किस लेके दे के वोट दे के बना था? हट जाओ, फिर एक तरह अपने आप ही कर लेंगे सारा काम हम। जब पुलिस आर्मी सारा सिस्टम है जो सिक्योरिटी का, सरकार क्या करेगी अगर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी? वो तो ये बोले ना, आप पकड़ के दो फिर काम करेंगे। ये गेम को समझे आप? सर, जिस तरीके से एक आपने देखा होगा कि संसद में बोल रहे थे जो कृषि मंत्री है तोमर जी, वो बोल रहे थे कि काला किसान समझा नहीं पा रहे कि काला कानून जो बोल रहे काला कहाँ पर है। तो सफेद क्या है वो बता दो आप, अगर काला नहीं है तो सफेद क्या है इनमें वो बता दो। ये कानून जहर है, एक गिलास जहर का भरा है, बोल कह रहे हैं कि 2-3 चम्मच निकाल देंगे, संशोधन कर देंगे। आप मुझे बताइए, एक चुटकी जहर की 1 चम्मच एक गिलास हो का तेरी डेथ होती है? डेथ वारंट है हमारी लाइवलीहुड पे। ओवर अटैक है, सीधा अटैक है, खुल के क्यों है बता दूं आपको। पहला कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अब ये बिल नहीं है, कई लोग बोलेंगे बिल है, बिल नहीं है, एक एक्ट है। क्यों है? क्योंकि जब पार्लियामेंट में पेश किया जाता ना एक प्राइवेट मेंबर द्वारा या किसी मिनिस्टर द्वारा, उस टाइम पे बिल होता है। जब दोनों हाउस से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट की संति मिल जाती, साइन हो जाते हैं, तब ये एक्ट बन जाता है। अब ये एक्ट है, बिल नहीं है। पहले कानून के बारे में बता दूं, बोल रहे हैं कि एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसल बेच सकता है। 85% किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। इंटरस्टेट बोल रहे हैं ना, आप मुझे बताइए 2 एकड़ से कम वाला हरियाणा पंजाब यूपी से अपनी ट्रॉली भर के तमिलनाडु केरल बेचने जाएगा? कौन सा लॉजिक है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना होगा? आप ये क्यों नहीं बोलते कि चांद पे बेचा ही हो? चांद पे ही बेचाएंगे फिर तो? ये बकवास कर रहे हैं। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, उसके के एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब कानून में पहला लिखे जाएगा कि चावल इतना मोटा हो, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। अब ये खुला आसमान, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी आंधी सूखा तूफान सब कुछ उसको असर करता है, नेचुरल चीज़ है ना। वो मशीन तोड़ा ना, मशीन में से निकालोगे बिना डिफेक्ट के निकलाएगी, ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोल रहे सर वो तो तैरता है, बोले ना उड़ेगा, उड़ रहा है फिर मर रहे हैं लोग। तीसरा कानून जी, बोले तीसरा कानून का। तीसरा कानून कानून है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, उसमें संशोधन किया है और बोला गया कि किसान होल्ड कर सकेगा और बाद में जब भाव बढ़ेगा उसको बेच कर मुनाफा कमाएगा। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान के, लेकिन फिर भी बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है तो होल्ड करने के लिए सरकार से लाएगा, ये कौन सी रेशनलिटी है? होल्ड करेंगे पूंजीपति 20 रुपए में खरीद के 200-300-400 अपनी मर्जी से बेचेंगे, मोनोपोली होगी ना, और पूरा देश में पेटे में आएगा इस कानून में। तो क्यों आएगा? क्योंकि राहत इंदौर जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, समझ रहे हो? क्यों आएंगे? क्योंकि जिस कंज्यूमर की जेब पे असर पड़ेगा ना, महंगाई बढ़ेगी। जो देश में अन्न खाता है, जो भी नागरिक फल सब्जियां खाता है, अनाज दालें खाता है, उसकी जेब पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। सर, एक सवाल है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिंगू बॉर्डर के आसपास या कोई भी टिकरी बॉर्डर के आसपास जो इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, वो एक बार उनको बंद कर दीजिए। राघव जी थोड़ा सा रोको, ये गाना बॉर्डर के आसपास के एरिया में इंटरनेट काट दिया है, और जो भी बॉर्डर की जो जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर आसपास के जो दुकानदार हैं, जो भी लोग वहाँ पर पानी दे रहे थे या टॉयलेट यूज करने के लिए दे रहे थे, उनका भी लाइट काट दिया गया है, उसमें किस नज़र से देख रहे हैं आंदोलन? आप मुझे बताइए, हमारे गाँव गाँव गली गली में खबर कैसे पहुँच रही है? गोदी मीडिया तो दिखा नहीं रही,
इंटरनेट के थ्रू, वो जो सोशल मीडिया के थ्रू, तो वही कह रही हूं, वही मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेट को बंद कर, हथकंडा है ना अपन, हथकंडा है आंदोलन को बंद करने का, खत्म करने का, हटने वाले नहीं है। भगत सिंह को, भगत सिंह का आजादी को हर किसी बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, सर झुकने वाला नहीं है। यहाँ बॉर्डर पे बैठे सरकार को, सर काट रहे तो काट ले, हटने वाले तो है नहीं हम, क्योंकि जमीनें बिकने जा रही हैं, रोजी रोटी का सवाल है, जाके क्या करना वहाँ पे, जमीनें जहाँ थी वहीं पे रहनी चाहिए, हटेंगे नहीं हम। हमारी बोरिंग की तैयारी हो गई, बोरिंग कर रहे हैं यहाँ पे सर। मैं ये पानी कमी है, जैसे इंटरनेट काट दिया है तो लोगों को, लोग तो खुद किसान जो है वो तो परेशान है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी परेशान है। और जो आपका, जैसे आपने बताया कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहे, तो सोशल मीडिया ही दिखा रहे हैं, तो सोशल मीडिया में तो नेट के बिना देख नहीं सकते, तो क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, ये सरकार का हथकंडा है आंदोलन को खत्म करने का, लेकिन वो अपने दिमाग से निकाल दे, कोई भी गोबर भरा है तो उसको निकाल दे, कोई भी कोवेब जाला लगा है तो उसको निकाल दे, हटा दे, हम हटने वाले नहीं है। किसी ने कहा था कि हार हो जाते जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है, किसान ठान गया है हटने वाले नहीं, यहाँ से बार बार बोल रहा हूँ मैं, हमारी जिंदगी खत्म होने जा रही है, जमीने नहीं रहेंगे तो क्या फायदा है, हमारी लाइव लाइवलीहुड पे सीधा अटैक हो रहा है, जमीने बेचने जा रहे हैं, बताया ना कानून के बारे में कैसे बेचने जा रहे हैं। बात क्या है कि एपीएमसी में खामियां हैं, आप मुझे बताइए, अगर किसी रिश्ते में दरार होती है तो आप रिश्ते को खत्म करते हो, दरार को अब एपीएमसी में खामियां तो खामियों का खत्म करो ना, एपीएमसी को क्यों खत्म कर रहे हो, समझ रहे हो? अगर एपीएमसी में खामियां हैं, एपीएमसी को खत्म कर रहे हो, चलो मान लिया, पुलिस जो सिस्टम है उसमें 85% पुलिस वाले करप्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है उसके अनुसार, तो पुलिस को बंद करो, उसमें खामियां हैं। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसको बंद करो, उसमें खामियां हैं। एपीएमसी को बिचौलिया खा रहे हैं, बिचौलिया को बंद करेंगे, स्टॉक मार्केट बिचौलिया उसको बंद करो, सरकार क्या है हमारे विकास के बीच में? सोशल मीडिया जिस तरीके से दिखा रहे किसान आंदोलन को, मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया जो नहीं दिखा रहे हैं जैसे आपका कहना है, तो सोशल मीडिया में जो दिखा रहे हैं वही पत्रकारों के ऊपर, जो स्वतंत्र पत्रकार है उनके ऊपर FIR हो जाते हैं, तो उसमें आप लोग आपके किस नज़र से देख रहे हैं? ऐसे अगर हर एक के ऊपर FIR होगा, क्या हर एक रिपोर्टर या जर्नलिस्ट आएंगे आप लोगों के बीच में, आपकी रिपोर्ट कैसे दिखाएंगे वो लोग अगर उनके ऊपर ही परेशानी आ जाएंगी? यही तो गेम है, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो ये अकेले किसान की बात थोड़ी ना, लाइन लगा रखी इन्होंने, जर्नलिस्ट कोई डेमोक्रेसी होती है, डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट, अभी डिसेंट को तोड़ मरोड़ रहे हैं, कोई भी बोलेगा उसे जेल में डाल दो। उदाहरण के लिए 2018 में भीमा कोरेगांव केस हुआ था, उस देश में हाईली इंटेलेक्चुअल है ना, जो पढ़े लिखे आनंद तेल तुमड़े, दर्जनों बुक्स लिखी है उनने, सुधा पार दो सोशल एक्टिविस्ट भी देशों में पढ़ा कहीं है, पढ़ी लिखी है, ये तो दो नाम और भी बहुत सारे हैं, अंडर ट्रायल हैं, 2 साल से जेल में पड़े हैं, ट्रायल भी नहीं हो रहे, क्यों है? क्योंकि वो जानकारी थी उनके पास, वो सवाल करते थे, सवाल किसी को पसंद, तानाशाही सरकार को तो सवाल पसंद नहीं होते, तो तानाशाही है ये, उनको अंडर डाला का है। 2019 में 2018 में दलित, 2019 में CNRC मुस्लिम, 2020 में किसान, ये लाइन लगा रखी है, 3 साल और बचे, तीन बार और कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए सर, आप भी कुछ कह रहे हैं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर बार बार FIR होते हैं, अगर ऐसे होता रहेगा, जैसे इंटरनेट काट दिया गया है या मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके किसानों के मुद्दे को दिखाना चाहिए नहीं दिखा रहे, अगर बार बार ऐसे FIR होते रहेंगे हर एक पत्रकारों के ऊपर, आपने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार लाइन लगाते हुए, बेशक मनदीप पुनिया अभी बाहर है, लेकिन सिर्फ एक पत्रकार की बात नहीं है ये, तो बहुत बड़े पत्रकार थे अंजुमन जी दुधारी रखते हैं, सफेद शायद आप जानते होंगे, उन्हें भी बाहर निकाल दिया, पता होगा आपको, जी 19 में थे, कौन से चैनल में जानता नहीं, उनको भी बाहर निकाल दिया गया, वे कल आए थे यहाँ पे, मेरी उनसे बात हुई थी, ज़्यादा देर नहीं रुक पाए हुए यहाँ पे, तो जो भी किसानों की बात करता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं तो इस सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ये हट धर्मी छोड़ें और किसानों के बीच आएँ और बात करें, और हमने आपसे नीचे गए होंगे फूल लगाए हैं 2022 के लिए, वे 2022 तक तैयार होंगे, जो भी किसानों की बात सुनेगा, चाहे यूपी का मुख्यमंत्री इलेक्शन पहले होगा, जो किसानों की बात सुनेगा वे फूल के गुलदस्ते उन्हीं फूलों के लग के जाएंगे, वही फूल गुलदस्ते में लग के जाएंगे जो फूल जो आप लोगों ने उगाए हैं, जो मुख्यमंत्री होगा, जो भी किसानों की बात मानेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा।